आपने स्टेरॉइड्स का नाम सुना होगा और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा इधर उधर से सुन रखा होगा और आपको लगता होगा कि ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक मज़ेदार बात स्टेरॉइड के बारे में। स्किन के डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, कुछ डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा डोज में यूज़ करते हैं, हम लोग भी काफ़ी केसेस में जहाँ ज़रूरी होता है यूज़ करते हैं लेकिन मिनिमम डोज में यूज़ करते हैं। लेकिन आखिरकार ये स्टेरॉइड होता क्या है? ये एक हार्मोन है और ये नेचुरल हार्मोन है, शरीर के अंदर बनता है। ये आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड, और ये हर दिन स्टेरॉइड बनाती है। कितना स्टेरॉइड बनाती है? करीब करीब 7.5 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन के बराबर। प्रेडनिसोलोन वो स्टेरॉइड की टैबलेट्स हैं जो मार्केट में मिलती हैं सब जगह। और इतना ही नहीं, जब आपने कुछ बाहर कुछ खा लिया और आपके शरीर में एलर्जी का प्रोसेस शुरू हो गया हो या फिर धूल डस्ट की वजह से एलर्जी का प्रोसेस शरीर में शुरू हुआ हो, तो ये एड्रिनल ग्लैंड्स खुद ही स्टेरॉइड का डोज बढ़ा देती हैं और ज़्यादा बनाने लग जाती हैं। करीब 12 मिलीग्राम शरीर में अपने आप स्टेरॉइड बनने लगता है और ये बहुत सारी एलर्जीज़ को अपने आप ठीक कर देता है और हमें कभी पता नहीं चलता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, खान पान में है, हवा में होती हैं, डस्ट में होती हैं, जिनसे हमें अंदर एलर्जिक प्रोसेस चलने के बावजूद कोई लक्षण नहीं आते, क्योंकि शरीर में मौजूद स्टेरॉइड इन्हें पहले ही ठीक कर लेता है। वो तो तब जब हमें खुजली होना शुरू हो जाती है, रैशेज होना शुरू होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ये तब होता है जब शरीर में मौजूद 12 मिलीग्राम का स्टेरॉइड इसे कंट्रोल नहीं कर पाता, और तब स्किन डॉक्टर अलग से 5 मिलीग्राम 8 मिलीग्राम आपको एक्स्ट्रा देते हैं। तो ये 12+8=20 हो जाता है और तब आप उस एलर्जी से ठीक हो जाते हैं। जल्दी ही एलर्जी धीरे धीरे डाइल्यूट होकर के ब्लड से कम होने लगती है और तब डॉक्टर डोज भी स्टेरॉइड का कम करके बंद कर देते हैं। लेकिन फिर भी आपके अंदर मौजूद जरा से एलर्जी कण की वजह से आपकी एड्रिनल ग्लैंड्स लगातार स्टेरॉइड बनाती रहती हैं ज़्यादा मात्रा में, और धीरे धीरे फिर वो भी अपना डोज कम कर लेती हैं। तो ये एक नेचुरल हार्मोन है, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ये शरीर में बनता है रोज़ करीब करीब 7.5 मिलीग्राम के आसपास, और ये हमें तमाम तरह के एलर्जी के लक्षणों से बचाए रखता है और हमें कभी पता नहीं चल पाता कि हमें तमाम चीज़ों से एलर्जी है। यही वजह है कि जब आप एलर्जी टेस्ट कराते हैं तो आपके बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी निकलती है, लेकिन आप कहते हैं कि इन चीज़ों को हम खाते हैं, हमें कुछ होता तो नहीं, कोई लक्षण तो आए नहीं, क्योंकि शरीर में मौजूद ये स्टेरॉइड उन एलर्जीज़ के लक्षणों को भी कंट्रोल में रखता है। जब एलर्जी ज़्यादा हो जाती है तभी हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तभी हमें एक्स्ट्रा स्टेरॉइड बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब ज़्यादा डोज में आप लेंगे और लंबे टाइम तक लेंगे तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और ये साइड इफ़ेक्ट्स भी दरअसल इसे काम करने के सिस्टम से जुड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर स्टेरॉइड जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो शरीर को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ज़्यादा ऊर्जा के लिए ब्लड में ज़्यादा शुगर होनी चाहिए ताकि सभी सेल्स को ज़्यादा शुगर मिल पाए और सभी सेल्स ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएँ। यही वजह है कि जब स्टेरॉइड हम लेते हैं तो हमारा शुगर थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रियाएँ हैं, लेकिन क्योंकि हम कभी कभी ज़्यादा डोज में लेते हैं तो हमें थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, और जब ज़रूरत होगा तो डॉक्टर्स आपको ये दवाइयाँ देंगे, और जितनी ज़रूरत होगी उतनी देंगे, और धीरे धीरे इसे स्टॉप भी कर देंगे। हम लोग प्रैक्टिस में देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों को हम लोग लॉन्ग टर्म भी अगर लो डोज में देते हैं तो बीमारियाँ न सिर्फ अच्छे से ठीक भी हो जाती हैं बल्कि कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता।